चला गया, खुशबू सा फिजाओं में समाया चला गया। नमस्कार, मैं न्यूज अब तक से वरुण शर्मा, और बात करते हैं आज एक ऐसी खबर की जो हर किसी को, चाहे वो भारत का निवासी हो या विदेशों में उनके चाहने वाले करोड़ों थे और लोगों के दिलों में बसते थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, जो अब हमारे बीच नहीं रहे। अटल जी की एक कविता का आज याद आती है जो उन्होंने कही थी, ठन गई मौत से ठन गई, जूझने का मेरा इरादा ना था, मोड़ पर मिलेंगे इसका वादा ना था, रास्ता रोक कर वह खड़ी हो गई, यूं लगा जिंदगी से बड़ी हो गई, मौत की उम्र क्या दो पल भी नहीं, जिंदगी सिलसिला आज कल की नहीं, मैं जी भर जिया मन से मरूं, लौट कर आऊंगा कूच से क्यों डरूं। इतनी जिंदा दिली से वो कविताएं लिखते थे। 3 बार प्रधानमंत्री रहे और इसके साथ साथ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी तब अटल जी विपक्ष में बैठा करते थे, और उनका एक प्रसंग जो उन्होंने खुद अपने प्रधानमंत्री काल के दौरान बताया था कि इंदिरा जी ने उन्हें विपक्ष के नेता के नाते जिनेवा में भेजा था, और इसको लेकर कई लोगों ने आपत्ति की कि आपने विपक्ष के नेता को वहां क्यों भेज दिया। इस पर इंदिरा जी ने कहा था कि जब विपक्ष सशक्त होगा तभी देश का विकास होगा। विपक्ष में भी अटल जी बहुत अच्छी भूमिका में थे और उन्होंने भारत को विश्व शक्ति बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, और उसका ताजा उदाहरण यह था कि जब वो प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पोखरण में परमाणु परीक्षण कराया जो सफल हुआ, और पूरे विश्व में एक हाहाकार की स्थिति मच गई कि भारत भी अब विश्व शक्तियों में शामिल हो गया है, और परमाणु परीक्षण के सफल होने के बाद एक बड़ी शख्सियत के रूप में भारत उभरा। तो निश्चित रूप से अटल जी पिछले कई वर्षों से, 8-10 वर्षों से बीमार चल रहे थे, उन्हें डिसमेंसिया नाम की बीमारी थी, और उनका इस बीच सार्वजनिक रूप से जीवन में आना जाना नहीं था, वो व्हील चेयर पे थे, लेकिन फिर भी उनके होने का आभास सभी को होता था। 5:05 में एम्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी किया तब पूरा देश दुखी हो गया, चाहे वो कांग्रेस के लोग हों, चाहे बीजेपी के लोग हों, चाहे किसी भी दल के हों, सभी के दिलों में उनकी जगह थी, और अटल जी के निधन पर पूरा देश सहित विदेशों से भी लोग शोकाकुल हैं। उन्होंने देशभक्ति की कई मिसालें प्रस्तुत की। संसद में ही उन्होंने, जब कारगिल का युद्ध हो रहा था उस समय, उन्होंने बहुत ही ऐसा भाषण दिया था जिसकी विपक्ष ने सहित सभी लोगों ने तारीफ की। उन्होंने कहा देश संकट से गुजर रहा है और इस समय विपक्ष को भी देश के साथ खड़ा होना चाहिए, यह आलोचनाओं का वक्त नहीं है। सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमारा देश अमर होना चाहिए, हमारा राष्ट्र अमर होना चाहिए, और इसके लिए उन्होंने वहां पर कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, यह वंदन की धरती है, यह अभिनंदन की धरती है, यह अर्पण की धरती है, यह तर्पण की धरती है, इसकी नदी नदी गंगा है, इसका कंकर कंकर शंकर है, हम जिएंगे तो इस देश के लिए और मरेंगे तो इस देश के लिए, और हमारे मरने के बाद भी गंगा जल में प्रवाहित हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। इसको लेकर जो माहौल बना था उस समय कारगिल युद्ध के समय, देश में सब एकजुट हो गए थे और कारगिल युद्ध में सफलता मिली थी। तो उन्होंने कहा सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, लेकिन हमारा देश का लोकतंत्र अमर होना चाहिए, हमारे देश की लोग एक होने चाहिए। तो ऐसी राजनीति से वो विपक्षियों को भी अपना मुरीद बना लेते थे और लोगों के दिलों में
वो राज करते थे। उनके न रहने से प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि मैं निशब्द हूँ और एक शून्य का अनुभव कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से इस दिव्य आत्मा के भारत से चले जाने से आज लोगों के बीच नहीं है, तो निश्चित रूप से एक राजनीतिक शून्य के साथ उनकी कमी हमेशा खलेगी और इतिहास में भी उनका नाम अजर अमर रहेगा। न्यूज अब तक की पूरी टीम भी ऐसे दिव्य पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित करती है। न्यूज अब तक से वरुण शर्मा। गीत नया गाता हूँ टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कुहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका अंतिम है, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। कलम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घृणे प्रलय की घोर घटाए, पामों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे सर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर हास्य रुदन में तूफानों में अमर संख्यक बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरा सीना पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, उजियारे में अंधकार में कलकछार में बीच धार में घोर खड़ा में भूत प्यार में क्षणिक जीत में दीर्घ हार में जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, सम्मुख फैला अमर थे पथ प्रगति चिरंतन कैसी इतियथ, सुस्मित हर्षित कैसे श्रमश्रत असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।